Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. Start a new chapter, chapter number 10. In last lecture we have to discuss about force and the law of motion. And chapter number 8 is a motion, yani ki motion ke baare mein information li humne. Chapter number 9th mein humne force and law of motion, yani ki motion understand karne ke baad different motion and motion related three laws of Newton's, first, second and third. So in discuss after third law, start a new chapter, chapter number 10. In this chapter we have to learn about gravitation. So, all in chapter information about gravitation. So in chapter 8 and 9 we have to learn about motion and the object as a case of motion. क्योंकि अगर motion के बारे में information ली और अगर object motion में होगा तो किस तरह से उस पर force apply होगा, तो ये discuss हमने chapter number 8 और 9 में किया. And force is needed change the speed or direction of motion of object, यानी कि force अगर होगा तो motion की change हो सकती है direction, अगर motion की डिरेक्शन में चेंजेस आ सकता है. तो ये हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 में स्टडी किया. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मोशन ड्रॉप्स फ्रॉम द हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. वी नो दैट प्लेनेट गो टू अराउंड द सन, मून गोस अराउंड द अर्थ. इन ऑल केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट द प्लेनेट एंड ऑन द मून. द मून और सन, अर्थ अराउंड द सन रोटेशन कंप्लीट करते हैं अपने, तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स उस पर अप्लाई होना चाहिए, ये रीजन हो सकता है. तो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. द प्लैनेट्स एंड द मून. आइजैक न्यूटन स्कूल ग्रैप्स दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि जो फोर्स अर्थ पे लगता है वही वहाँ पे लगता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगता होना चाहिए. तो जैसे कि हाइट से ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करते, सपोज हाइट ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉल डाउन इन अ डाउन पार्ट. सो अर्थ, दिस इज अ अर्थ सरफेस. तो अर्थ ऑब्जेक्ट अपर हाइट से लोअर हाइट में कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सेम केस सन अर्थ है, उसी तरीके से अदर प्लेनेट है, तो उस पे भी सेम फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ऐसा आइजैक न्यूटन ने कहा था. यानी कि यहां पे अर्थ सरफेस सेम फोर्स अप्लाई ऑन अ दिस ऑब्जेक्ट फ्री फॉल डाउन, सो सिमिलर फोर्स अप्लाई ऑन अ सन अर्थ अराउंड द सन. ये जो यहां पे सारी जगह दी गई है उस पे सेम फोर्स अप्लाई होना चाहिए. तो ये जो डिस्कस हुई वो फोर्स के बारे में, यानी कि न्यूटन ने ऐसा कहा कि सेम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेम फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए. तो जो फोर्स यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ये फोर्स का नेम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो डिस्कस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. तो ये चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन अ लिक्विड. यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिक्विड पे फ्लोट करता है, तो उसकी भी हम डिटरमाइन, उसका भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. इसे यहाँ पे बताया गया है. नाउ स्टार्ट अ टॉपिक ग्रेविटेशनल. सो अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन. वी नो दैट मून गोज अराउंड अर्थ. द ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड्स रीच द सर्टेन हाइट एंड फॉल डाउन वर्ड्स. इट इज से दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एप्पल. तो आप न्यूटन की स्टोरी आपको पता है. न्यूटन इज सिटिंग अंडर द ट्री एंड
So the Newton start thinking. It means what happened? Newton was sitting under tree and apple fell on him. The fall of apple is made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract, suppose ye apple hai, to earth can attract apple, can it not attract the moon? If the force same in both cases, yani ke jo apple hai usko earth अट्रैक कर सकता है, तो जो मून है उसको क्यों अट्रैक नहीं कर सकता है उसको, क्योंकि जो फोर्स है विल बी सेम. ही कंजेक्टेड दैट एंड सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन द बोथ द केसेस. ही आर्ग्यू दैट ईच पॉइंट ऑफ दिस ऑर्बिट द मून फॉल टूवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज मस्ट बी अट्रैक्ट बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ. यानी कि एप्पल जो गिर सकता है तो उसी तरीके से जो मून है वो भी क्यों नहीं गिर सकता, तो उसका नेक्स्ट एक्टिविटी थ्रू उसका अंडरस्टैंड करेंगे उसका रीजन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ मून बाय रिसाइकलिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड टाई एट अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड होल्ड द अदर एंड एंड थ्रेड एंड द राउंड एज शो इन हियर फिगर कैन बी ड्रॉ. सो वन पर्सन टेक वन थ्रेड्स, so thread is here and stone can be thread at the end, so around and motion, so this type circular motion can be described around the man can be started motion, this stone thread with thread, not the motion of stone, release the thread against not the direction motion of the stone. स्टोन की मोशन इस तरह से होगी, आप कंटिन्यू इस तरह से घुमाओगे तो स्टोन इजिली घूमता रहेगा, बट जैसे ही उसको आप छोड़ दोगे तो यहाँ से सपोज यहाँ से आपने छोड़ दिया तो उसकी जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको, ये जो अट्रैक्ट कर रहा है उसकी वजह से उसकी मोशन सर्कुलर हो रही है. जैसे यहाँ से ये फोर्स गायब हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, यानी कि आप स्टोन को रिमूव कर दोगे, थ्रेड को छोड़ दोगे, तो ये जो स्टोन की जो मोशन है वो सर्कुलर की वजह से, सर्कुलर की जगह पे यहां से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डिरेक्शन एट एवरी पॉइंट. यानी कि यहां से फिर ये डिरेक्शन चेंज हुई, यहां से चेंज हुई, यानी कि एवरी सेकंड स्टोन कैन बी चेंज इस डिरेक्शन. The change in direction involves change in velocity of acceleration. The force that causes this acceleration and keep the body moving along the circular path is acting toward the center. ये जो center से force लग रहा है उसकी वजह से वो center से equal distance पे circular motion कर रहा है, but जैसे ये center का force missing हो जाएगा, stone can be released, that's why it's in a straight line. So it's called center seeking force. यहाँ से center से जो लग रहा है वो, in the absence of this type of force the stone can be feels along the straight line. जैसे यहां से फोर्स आप रिमूव कर दोगे, आप थ्रेड को छोड़ दोगे तो टेन स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ सर्क्यूलर पाथ. द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रल फोर्स. फोर्स इज प्रोवाइड बाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. इफ देर इज नो सच फोर्स द मून वुड यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन. यानी कि पर्सन की जगह पे आप अर्थ को एज्यूम कर लो, ये जो स्टोन है उसकी जगह पे आप मून को एज्यूम करो तो सेम मोशन होगी. अगर उसका जो मून और अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मिसिंग हो जाएगा तो जो मून है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा इंस्टेड ऑफ सर्कुलर मोशन, बट ये जो अट्रैक्शन फोर्स है सेंट्रल से यानी कि अर्थ से जो मून पे अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से उसकी मोशन जो है वो सर्क्युलर होती रहती है. तो ये रीजन बिहाइंड दिस सर्क्युलर मोशन. इन सीन द फीलिंग एप्पल इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ. डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ इफ वी डू नॉट सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल. वाई? क्योंकि यहाँ पे ऐसा सेंट्रल से फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रीली फॉल डाउन है, तो यहाँ पे वो अप पार्ट से डाउन पार्ट में फ्रीली फॉल होगा. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिविंग फोर्स एसेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. एप्पल का जो उस पर जो फोर्स लगेगा उसके मास के अकॉर्डिंग टू होगा, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए. यानी कि फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए. सो एसेलेरेशन इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ फोर्स, यानी कि मास की मूवमेंट होगी यहां से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम इज ओर ऑफ वन अपॉन ए, तो वन उसको एज्यूम कर दे तो एफ बाई ए हो जाएगा इज इक्वल टू एम हो जाएगा, यानी कि ए और एम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि वन अपॉन ए इज प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. सो द मास ऑफ एप्पल इज निग्लिजिबल कंपेयर द मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे एप्पल का जो मास है वो निग्लिजिबल हो सकता है कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी. सो वी कैन नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, एक्सट्रैक्ट द सेम आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाई अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द मून. सेम आर्ग्यूमेंट, इन अवर सोलर सिस्टम प्लेनेट गो अराउंड द सन, बट arguing the same way we can say that exists the force between sun and the planet when the above fact newton conclude that not only does the earth attract apple and the moon but all object in a universal attract each other, this force of attraction between object is called gravitational force. Yani after this argument newton say that any object, for object a object b, not sun not apple not moon, every object in a universal attract each other, so is a gravitational force. So now according to this statement we understand universal law of gravitation, universal law of gravitation. So according to this statement every object, it means object A and object B, so distance between this object can be described by small d, object mass is capital M and object B mass is a small m, and distance between this object is d. So statement of this object, it means let's two object A and B, according to mass capital M small m, distance between these two object is capital D, let's force of attraction between the object, according to universal law of gravitational the force between two object is directly proportional to mass of there, it means jo us pe force apply hoga wo uske mass se directly proportional hoga, first statement, and the force acting between two object is inversely proportional to square of their distance. Two statements are important for us. Force acting on this object is directly proportional to their masses. So humne yahan pe directly proportional ka symbol likha hai. Another statement for according to distance. So according to universal law of gravitation, force acting on a object is inversely proportional to square of distance. So isliye humne yahan pe distance ka square kiya gaya hai. तो फर्स्ट लॉ क्या है वो समझते हैं. द यूनिवर्सल लॉ इज फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी हैव टू गिवन नेक्स्ट स्टेटमेंट. नाउ कंबाइन दिस स्टेटमेंट एम एंड कैपिटल एम एंड डी स्क्वायर इज डाउन पार्ट, सो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर. नाउ इन फिजिक्स दिस साइन कैन बी रिमूव, सो इक्वल एंड वन कॉन्स्टेंट कैन बी कंपल्सरी. इन अ फिजिक्स हम जानते हैं ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा, तो आप इक्वल और उसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट को एज्यूम करेंगे, इक्वल एंड वन कॉन्स्टेंट. तो जैसे यहाँ पे ये सिंबल रिमूव होगा तो आपको इक्वल मिलेगा, और कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ग्रेविटेशनल का सिंबल जी लेते हैं, एम स्मॉल एम एंड डिवाइड बाई डी स्क्वायर. तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल हुआ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड. एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर. स्मॉल एम कैपिटल एम यहाँ पे मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डी. सो दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एसआई यूनिट ऑफ जी. सो जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको जी इज इक्वल टू मिलेगा F into D square divided by M into M, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर बट स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, स्मॉल n एंड कैपिटल m, इट मीन्स हियर kg raised to 2 kg square.
Now the value of G can be found by Henry Cavendish, scientist name Henry Cavendish, scientist name is find the value of G, and value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 meter unit meter square Newton divided by kg square. So remember this value, and which scientists are found is Henry Cavendish, 6.673 into 10 raised to minus 11. So write down in notebooks, is important theory, universal law of gravitation. Thank you, friends.